मेरा नाम जमाल ठाकुर है, मैं चेयरमैन पाकिस्तान वाटर ट्रांसपोर्ट पाइम का चेयरमैन हूँ और प्रेजेंट आसमान सईद से मैं बात करने लगा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक बहुत अजीज दोस्त है, उससे बात हुई थी हमारे जो पब्लिश होती है चीज़ें उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि आप बहुत सख्त बोलते हैं और किसी का लिहाज नहीं करते, तो मुफ्ती से बात करूँगा जो कि पाकिस्तान की पब्लिक सुने सोशल मीडिया के ज़रिए कि हम सैयद हैं और पिछले 67 सालों से जो लोगों ने जो सैयद ज़ात के नहीं हैं उन्होंने सादात के साथ बहुत ज़्यादती की हैं और बहुत ज़्यादतियाँ की हैं और सादात को कुचल दिया है। सादात कुचलने के लिए नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने यह डिसाइड किया है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे हम लोग उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने सादात के साथ जाति की कत्ल किया, टॉर्चर किया या कहीं पे उनको डिग्रेड किया वगैरह वगैरह। ये हमारा मुल्क और कौम सेटअप करने के साथ साथ ये भी एक हमारा मिशन है कि जितनी भी दूसरी जातें हैं जो अपने आप को फंडियर समझती हैं उनको हमने उनकी औकात दिखानी है और उनको बताएंगे कि चाहे वो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, मिलियनर हैं, ताकतवर हैं, लेकिन सादात की बराबरी ना कर सकते थे, ना करेंगे और ना कभी वो सादात की बराबरी कर सकेंगे। और सादात वो तुम लोग उम्मती हो, उम्मती रहोगे और जो अहले बैत है वो अहले बैत है, अहले बैत की बराबरी उम्मती नहीं कर सकता चाहे वो पाकिस्तान का और क्या दुनिया का प्रेजिडेंट बन जाए। इसलिए हमारी सादात के साथ जो ज्यादती हुई है उसकी हमने किसी के साथ बख्शिश नहीं करनी, क्योंकि हमने हर चीज नोट की है और कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं सादात को भी बोलता हूं कि जहां भी चुड्डू होके बैठे हुए हैं, मैं ये लफ्ज दोबारा बोलता हूं कि जहां जहां सादात चुड्डू होके बैठी हुई है और हम देख रहे हैं कि हमारी मुखालफत भी सादात में से आ रही है, तो याद रखें वो सादात चाहे वो जुमे के सादात हैं, जुमेरात के सादात हैं, या वो कमी कमी से सादात बन गए हैं, या वो असल सादात है, वो सादात हमारी काविशों में अगर शामिल नहीं है तो वो भी वाजिब कत्ल है, हमने उनको भी नहीं छोड़ना। ये मेरा अपने खुदा से, उसके नबी से और मौला पंचतन पाक से वादा है कि जिसने हमारी काविशें और हमारी कोशिशें और हमारी जो जो हम काम कर रहे हैं और जो हम अपने मुल्क और कौम की सेटअप कर रहे हैं उसमें जो सादात के नाम नहीं आएंगे उन सादात को भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनको हमने रगड़ देना, मार देना, कत्ल कर देना, फिनिश कर देना। वक्त आएगा ये सब सादात जो है, जितनी सादात है जिसका जिसने हमारे साथ साथ ना दिया, सादात का साथ ना दिया, मैं खुलेआम बोल रहा हूं कि उस सादात को हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो फन खान हो, कोई भी हो, वो सादात उसकी बख्शिश नहीं होगी, क्योंकि वो सादात नहीं है, वो चूती हैं, डरपोक हैं, बुजदिल हैं। सादात होते हैं हमारे जैसे जो जान तली पर रख के जो हैं बड़े बड़े मगरमच्छ फाइट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने सादात पे, सबसे पहले अपने खुदा पे, उसके नबी पे और अपनी जात पे यकीन है। इसलिए ये सादात जब भी कभी पाकिस्तान की हुकूमत में आ गई, एक तो सारे उम्मीदियों को सही करेगी और एक उन सादात को सही करेगी जो के उम्मीदियों के नीचे लग के काम करती है और उम्मीदियों उम्मीदियों के साथ उनकी हुक्म को सुनती है और जो उम्मीदियों के चुतर चाटती है उस सादात को भी हम नहीं छोड़ेंगे। ये वादा है जमाल टाकू का और आगा सनतर सैयद का, खुदा की कसम हम उन सैयदों को भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने सादात के नाम और अहले बैत के नाम को बदनाम किया है। इसलिए उम्मती सारे सुन लें, सादात और अहले बैत की बराबरी मत करो, क्योंकि तुम उम्मती हो, अहले बैत नहीं। मैं चेयरमैन जमाल टाको, पाकिस्तान अवामी इंकलाब पाइम और प्रेजिडेंट आगा हसन सईद की तरफ से ये बात की है। वाला